एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आज हम अपनी वीडियो में सीखेंगे ब्लीच के बारे में। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम ब्लीच करने के बाद जलन हो जाती है या डार्क स्किन है, तो हम ब्लीच कौन सा करें और किस तरीके से करें। मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है, तो आज इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी ब्लीच किस तरीके से करना है और क्या क्या आप साथ में कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए ऊपर से वॉइस नहीं करती हूँ, आपको साथ के साथ बताती जाऊँगी जिस तरीके से होता है। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, बट पूरा देखिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो बहुत सारे लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा मुझे। और सामने देख सकते हो, ये है क्लाइंट मेरी और मैं इन्हीं के फेस पर बताऊंगी। और आप देख सकते हो इनकी स्किन अभी कुछ भी नहीं किया हुआ, इन्होंने क्लींजिंग तक भी नहीं की है। तो आप देखेंगे कि क्लींजिंग करने से भी क्या फर्क होता है, और ब्लीच फेशियल से पहले भी करते हैं हम, बाद में करते हैं, ये सब बातें बाद में करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अभी हम ब्लीच करने जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने क्लाइंट की स्किन देखेंगे। आप देख सकते हो इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखी है और फेस क्लीन नहीं है, तो थोड़ी डस्ट भी होगी फेस पर। तो सबसे पहले हम फेस को क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर फेस क्लीन करने के लिए आप गुड वाइब्स का क्लींजिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका फेस अच्छे से क्लीन हो जाए, जितनी एक्स्ट्रा डर्ट होती है वो भी हट जाए, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी रूखी हो रखी है वो भी क्लियर हो जाए। आपकी आप मेरे क्लाइंट की स्किन देख सकते हो, अपर लिप एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है, नेक बहुत ज़्यादा डार्क है। तो आप पूछते हो कि नेक भी किस तरीके से क्लीन करनी है, तो ब्लीच में आपको छोटी छोटी वो टिप्स बताऊँगी। तो सबसे पहले हम फेस को क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर फेस को क्लीन कर रही हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप गुड वाइब्स का क्लींजिंग ऑयल ले सकते हैं, इसमें टीटी का यूज़ किया गया है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या सभी स्किन टाइप के लिए आप लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा, ये भी गुड वाइब्स का ही है। मैंने इसीलिए आपको स्क्रीन पर दिखा दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे और टिश्यू की हेल्प से रिमूव कर देंगे। फेस आपकी ब्लीच करने से पहले, फेशियल करने से पहले, मेकअप करने से पहले एकदम क्लीन होनी चाहिए, ताकि आप मेकअप कर रहे हैं या फेशियल कर रहे हैं, ब्लीच कर रहे हैं, तो उस पर कोई भी धूल मिट्टी ना हो। बात कर लेते हैं हम कि आप फेशियल पहले करेंगे या ब्लीच पहले करेंगे। तो हम हमेशा कैसे करते थे, पहले ब्लीच करते थे, जो हमारे काफ़ी टाइम पहले चलती थी और कुछ लोग तो अभी भी करते होंगे। तो आपका क्वेश्चन होगा क्यों करेंगे हम ब्लीच बाद में। तो हमारे पास दो तीन वो होती है, एक तो होता है सेंसिटिव स्किन, कई लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, अगर पहले ब्लीच कर दी उन्होंने तो उनको यहाँ पर एलर्जी हो जाती है, उनके रैशेज हो जाते हैं, या कई बार हमारा दूसरा क्लाइंट आ गया और हमने ब्लीच लगा के छोड़ दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, तो स्किन जो होती है वो बर्न भी हो जाती है। तो इस सिचुएशन में बहुत अच्छी रहती है फेशियल के बीच में ब्लीच करना। सेंसिटिव स्किन है तो भी बहुत अच्छी रहती है फेशियल के बीच में ब्लीच करना। और आपको अगर किसी को फेशियल के बीच में ब्लीच करते हैं, जैसे रूप मंत्रा वालों ने अभी दी हमें फेशियल किट, उसके बीच में भी हमारी फेशियल के बीच में ही ब्लीच है, जब हम क्रीम करते हैं तब अप्लाई करते हैं ब्लीच, और जो O3 प्लस हमारा फेशियल है तो उसके सेकेंड स्टेप पर ब्लीच, तो उनका अलग ही रिजल्ट आता है। आपको एक तो डर नहीं होता है कि आपने ब्लीच लगा के स्किन पर छोड़ दिया है, टाइम लगेगा तो स्किन बर्न हो जाएगी या स्किन झुलस जाएगी, इस टेंशन से फ्री हो जाते हैं। ऊपर से आपको ब्लीच अगर फेशियल के बीच में करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ग्लो भी मिलता है। तो आज यहाँ पर तो मैं सिंपल टेक्निक आपको बता रही हूँ। तो पहले ब्लीच करेंगे तो उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे हमने फेस क्लीन कर लिया, आपका क्लाइंट आ गया सेंसिटिव स्किन का और वो कह रहा है कि नहीं मुझे पहले ब्लीच कर दीजिएगा, तो भी आप कर सकते हैं, बाद में फेशियल कर सकते हैं। और आप अगर फेशियल के बीच में ब्लीच करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक हमारी ऐसी होती हैं जिनसे हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आपके क्लाइंट की सेंसिटिव स्किन है, वो हमेशा आपसे शिकायत करता है कि मेरे ग्लो नहीं आता है या मेरी स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, तो आप फेशियल के बीच में ही करिएगा। और नॉर्मल स्किन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप स्टार्टिंग में करिएगा। लेकिन स्टार्टिंग में करते टाइम भी आप ध्यान रखेंगे कि आप पहले मॉइस्चराइजर लगा लीजिएगा स्किन पे और उसके ऊपर अप्लाई करिएगा अपनी ब्लीच। तो जैसे हमें प्री ब्लीच और पोस्ट ब्लीच दी जाती है, तो वो इसीलिए होते हैं कि हमारी स्किन सेफ रहे, उस पर कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाएंगे और फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे ब्लीच। यहाँ पर आप गुड वाइब्स की ये डे क्रीम ले सकते हैं, इसमें सेफ्रॉन का यूज़ किया गया है जो कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करेगी, या आपके पास कोई भी कोल्ड क्रीम है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्रीम क्यों ले रही हूँ, अगर मैं चाहूँ आपको दिखा सकती हूँ कि मैं इससे
बहुत अच्छी ब्लीच भी बना सकती हूँ, वो किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो आप चाहें तो अपनी ब्लीच में थोड़ी सी को मिला लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो पूरे फेस पर लगा लीजिएगा। दोनों सिचुएशन में बहुत अच्छी रहेगी। अगर ब्लीच में मिलाएंगे तो भी बहुत अच्छी रहेगी, कि अगर आपका एक्टिवेटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी आपको नुकसान नहीं करेगी, और आपकी स्किन पर अगर 15 से 20 मिनट रह गई या आप भूल गए तो भी नुकसान नहीं करेगी। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकते हो कितनी वाइट और बहुत ही अच्छी है, और इस तरीके से लेंगे और पूरे फेस पर अच्छे से लगा देंगे। लगाने का तरीका आप सामने ही देख लीजिएगा। इस तरीके से क्रीम को अपनी फिंगर टिप पे लेंगे और पूरे फेस पर फैलाते हुए लगा देंगे, ताकि इसके ऊपर आप अपनी ब्लीच को अप्लाई कर सकें। इस तरीके से इसको छोड़ देंगे और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ब्लीच, तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। सोचोगे कि इतनी डार्क स्किन है तो मैं कौन सा ब्लीच लूँ, इतनी डार्क स्किन पे मुझे बहुत अच्छा लगता है डिटैन ब्लीच, या फिर आप डायमंड ब्लीच लीजिएगा। बट है हमारा डार्क, इसको हटा देगा, ये जो नेक पे है इसको हटा देगा, माउथ एरिया जो टैन है वो हटा देगा, और कई का फोरहेड बहुत टैन होता है वो रिमूव करेगा। तो आप डिटैन ब्लीच ले लीजिएगा। आपकी एज 25 से कम है तो अमन ब्लीच ले लीजिएगा किसी भी कंपनी में। मेरे पास SKG की डिटैन ब्लीच है, और साथ में अगर आप बहुत अच्छा ग्लो चाहते हैं तो आपको मिल जाती है प्योर रूट्स में डायमंड ब्लीच। ये रिजल्ट बहुत अच्छा देती है, आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपकी विटी स्किन है, आपकी डस्की स्किन है, आपकी बहुत डार्क स्किन के लिए, तो आप देखेंगे रिजल्ट। ठीक है, ब्लीच बनाने के लिए आप एक स्पैचुला निकाल लेंगे, बिल्कुल जितनी आपको लगानी है। मैं नेक वगैरह भी करूँगी, यहाँ पर आप देख सकते हो उतनी ही निकालेंगे जितनी आपको चाहिए। ठीक है, और ब्लीच के साथ हमें एक्टिवेटर मिलता है, तो आप एक्टिवेटर भी, आपको ब्लीच अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो एक्टिवेटर कम डालिएगा, लेकिन अगर आपने स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाया है तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही आपकी स्किन झुलसेगी। तो आप देख लीजिएगा कि मैं, हम बताते हैं, एक पिंच में लीजिएगा। आपने मॉइस्चराइजर लगाया है तो एक पिंच कोई असर नहीं करेगी, कम से कम इतना आपको लेना है क्योंकि मैंने मॉइस्चराइजर लगा दिया है स्किन पे। और अगर आपसे एक्टिवेटर ज़्यादा हो जाता है और आप ज़्यादा ग्लो चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इतना लेंगे, मिक्स कर लेंगे, इसके बाद आप चाहते तो वो मॉइस्चराइजर इसमें इंक्लूड कर सकते थे। आप और ज़्यादा रिजल्ट चाहते हैं अपनी ब्लीच का, मिक्स था कि मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं क्या करूँ, ब्लीच कौन सी करूँ। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हमने मॉइस्चराइजर इंक्लूड कर लिया है। आपकी स्किन ड्राई है तो आप 24 कैरेट गोल्ड ऑयल मिला सकते हैं। आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा ग्लो भी देगा और बहुत अच्छा निखार भी आएगा इससे, आप ये मिला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, आपकी स्किन पे थोड़ी पिगमेंटेशन है, आप चाहते हैं आपको ब्राइटनेस मिल जाए, तो आप गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन ई एज डिफाइनिंग सीरम, आप देख रहे हो एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइन लाइंस आ गई हैं, यहाँ पर फाइन लाइंस है और ये हिस्सा झुलसा हुआ है, तो मैं इनके इस ब्लीच में मिला रही हूँ एज डिफाइनिंग सीरम। लेकिन यही सब सिखाती हूँ मैं अपने उसमें, और मेरी खुद की ट्रिक है ये कि प्रोटीन ब्लीच कैसे बना सकते हो। देख सकते हो मैं आपके सामने 2 बूंद विटामिन सी और विटामिन ई ये मिला रही हूँ, 2 से 3 बूंद मिलाएंगे, इससे बहुत अच्छा ग्लो आएगा आपकी ब्लीच में। और अगर आपको लगता है आपकी स्किन सेंसिटिव है तो स्किन सेंसिटिव के लिए तो आप फेशियल के बीच में करिएगा या मॉइस्चराइजर करके करिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसमें दाने नहीं होने चाहिए। अगर आपके एक्टिवेटर के दाने जगह जगह पर रहेंगे तो वहीं से आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 सेकंड के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ी फूल जाए, और फिर स्किन पर अप्लाई करेंगे। अब देखिएगा, मैंने ड्राई स्किन के लिए आपको बताई, डार्क स्किन के लिए आपको बताई, सेंसिटिव स्किन के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आपकी ब्लीच में कहीं ना कहीं ग्लो नहीं आता है तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसी तरीके से अगर आप ब्लीच बनाकर करते हैं तो आपकी ब्राइडल पर बहुत अच्छा ग्लो आता है, आप वैसे भी करते हैं अपने क्लाइंट पर तो भी बहुत अच्छा ग्लो आता है, और कहीं ना कहीं ब्राइड ये बोलते हैं कि मेरी ब्लीच करने के बाद ग्लो चला गया है, ग्लो नहीं आता। तो आप सीरम इंक्लूड कीजिएगा, कच्चा दूध इंक्लूड कीजिएगा, 24 कैरेट गोल्ड ऑयल गुड वाइब्स का है वो यूज़ कीजिएगा, या 24 कैरेट गोल्ड ऑयल पर्पल का है वो यूज़ कीजिएगा। इनसे ब्लीच बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छा ग्लो आता है। अब ये हमारी ब्लीच बिल्कुल बल्कि तैयार हो गया, आप देख रहे हो कितनी फूल गई है। वाइट कलर का है थोड़ा कटोरी तो नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, आप देख सकते हो कितनी फूल गई है ब्लीच, देख रहे हो ना। तो ब्लीच आप हर तरीके से बना सकते हो।
सबसे पहले हम लगाएंगे अपर लिप पे, क्योंकि अपर लिप पे हेयर ज़्यादा है, तो आप ध्यान रखिएगा। और आप ब्रश से भी लगा सकते हो, अपनी फिंगर से भी लगा सकते हो, लेकिन अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो उनकी फिंगर एक्टिवेटर के कारण थोड़ी सी जल जाएगी, तो ज़्यादा अच्छा है आप ब्रश का यूज़ करें, ठीक है। और मेरे पास अभी यही ब्रश था, पैक ब्रश आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपर लिप एरिया पर लगानी है, अपर लिप एरिया पर थोड़ी सी मोटी लेयर लगाएंगे, और जो हमारा हाइलाइटर पार्ट होता है इस पे लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, पूरे फेस पर लगाने के बाद ही लगाएंगे। हर ट्रिक से आप अपने क्लाइंट के फेस पर ग्लो ला सकते हैं, ब्लीच से ब्राइडल के ग्लो ला सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इंक्लूड करके। तो मेरा मन था कि मैं ये वीडियो शेयर करूं आपके साथ, और आप मेरे चैनल से सीख रहे हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट भी होगा। तो ब्लीच करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखिए कि आपके क्लाइंट की स्किन बिल्कुल झुलसे ना, छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं हमारी जो हम जिससे हम अपने फेशियल में ग्लो ला सकते हैं, ब्लीच में ग्लो ला सकते हैं। और आपने अगर मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, प्रोटीन ब्लीच कैसे बनाना है, फेस पॉलिशिंग कैसे बनाना है, या टैनिंग को कैसे हटाना है, तो वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। 600 वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। और ये देख रहे हो इस ब्रश से अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं बाद में फिंगर ज़रूर यूज़ कराऊंगी। मुझे जब तक अच्छी नहीं लगती ब्लीच, जब तक मैं फिंगर से अच्छे से उसको घुमा नहीं लेती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा होता है। बालों की जो डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से फैल जाती है ब्लीच, तो एक बार ऐसे लगाने के बाद ज़रूर हम हाथ से फैलाएंगे इसे। तरीके से आप हाथ से भी लगा सकते हैं, तो हाथ से ग्लव्स डाल के लगा रहे हैं तो आपको फिंगर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप जब भी अपनी क्लाइंट के ब्लीच करेंगे तो पूरी नेक को भी कवर कर देंगे, कान पर भी लगाएंगे, और जितना फेस का एरिया पूरा लगाएंगे, ताकि अलग अलग पार्ट ना हो जाए, कान नाक और फेस एक ही जैसा होना चाहिए। भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जैसे गुड वाइब्स का है विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये एज डिफाइनिंग सीरम है। अगर आपके बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस आ गई हैं, आपकी स्किन डल होती जा रही है, आपके ग्लो नहीं है स्किन में, या आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो आप ये नाइट में यूज़ करिएगा, अपनी स्किन केयर रूटीन में ज़रूर यूज़ करिएगा। इससे एक तो आपकी पिगमेंटेशन नहीं रहेगी, ऊपर से फाइन लाइंस कम हो जाएंगी आपकी, और इसके अंदर संतरा है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन के लिए हर तरीके से बेस्ट है, क्योंकि विटामिन सी और ई दोनों हमारी स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो ये अगर आप सेंसिटिव स्किन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पर्पल का 24 कैरेट गोल्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ हिप सीरम ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इनके लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी अच्छी सेल चल रही है सभी प्रोडक्ट पे। आप पर्पल की ऐप डाउनलोड करके वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा ऑफर पाना चाहते हैं तो कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड है GET100, तो सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस तरीके से पूरे में ब्लीच करनी है, देख रहे हो कानों के पास भी लगा दिया है, नेक पे भी लगा दिया, इससे नेक भी क्लीन हो जाएगी। ब्लीच मैंने बनाई है ना, इसमें अगर आप कच्चा दूध भी मिला लेते हैं, तो आप कच्चा दूध या रोज़ वाटर, तो आप इसको आइज़ पे भी लगा सकते हैं, आपकी आइज़ पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि सभी कहते हैं आइज़ पर ब्लीच नहीं लगा सकते, बट मैं कहती हूँ अगर आप कच्चा दूध मिलाकर या रोज़ वाटर दोनों में से एक चीज़ मिलाकर लगाते हैं, तो आप आइज़ पर भी लगा सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। यहाँ पर देख सकते हो पूरे तरीके से इन्होंने ब्लीच लगा दी है, और 5 या 10 मिनट के बाद आप चेक करेंगे, अगर ब्राउन हेयर हो गए हैं तो आप रिमूव कर देंगे। आप कम से कम 10 मिनट रखिएगा। ठीक है, मैं आपको बीच में टिप्स बता देती हूँ। अगर आपने तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, या आप प्री ब्लीच पहले अप्लाई कर लेते हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपके पास प्री ब्लीच नहीं है तो मॉइस्चराइजर लगा के अप्लाई करते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बाई चांस आपकी क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है, आप पहचान नहीं पाए, एक्टिवेटर ज़्यादा हो जाता है, आपकी स्किन पे नुकसान होता है, दाने दाने आ जाते हैं, तो आप उसी टाइम तुरंत की तुरंत स्किन पर एस्ट्रेंजन लगाएंगे या आइस का यूज़ करेंगे। उसके बाद आप हल्की सी कोल्ड क्रीम लगा के छोड़ देंगे। नाइट में आप थोड़ी सी बेटनोवेटाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि स्किन रिपेयर हो जाए वापस से और कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि बेटनोवेट एक एलर्जी क्रीम है। अगर स्किन पर कोई एलर्जी होती है तो वो तुरंत बचा लेती है स्किन को, कोई नुकसान नहीं होने देती। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप ध्यान रखिएगा, कभी भी फेशियल करने से पहले वैक्स नहीं करेंगे, कभी भी ब्लीच करने से पहले वैक्स आप नहीं करेंगे। आप वैक्स नेक्स्ट डे कर सकते हैं,
या फिर आप फेशियल करने के बाद ही करेंगे। बट उस टाइम स्किन में मॉइस्चराइजर हो जाता है तो वैक्स अच्छे से नहीं होती है, तो आप नेक्स्ट डे ही करिएगा, उससे पहले नहीं करिएगा। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स थी मेरी जो मैंने आपको बताई। और हर्बल ब्लीच आप घर में ही कैसे बना सकते हो ये वीडियो भी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी, ताकि आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिले। और कोशिश करूँगी अपने फेस पर बताऊँ। और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है मेरी, बनाना फेशियल किया है, आइस फेशियल किया, गर्मियाँ आ रही हैं, आइस फेशियल में मैंने फ्रूट वेजिटेबल सभी मिक्स करके किया था, तो वो वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा, काफ़ी पसंद आएगा आपको। और आप देख सकते हैं अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, हम चेक करेंगे थोड़ी देर बाद। और आप इस तरीके से करिएगा ब्लीच, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे लगे ये तरीके, और फेशियल के बाद ब्लीच कैसे करनी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन इस वीडियो के बाद आप देखेंगे कि फेशियल प्रेशर पॉइंट कैसे हैं, या फेशियल किस तरीके से करना है, या कौन कौन से पॉइंट पर ध्यान रखना है हमें फेशियल करते टाइम, और कौन से फेशियल आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। मैं 4-5 फेशियल आपको जरूर दिखाऊंगी स्किन के अकॉर्डिंग भी, और कौन कौन से यूज़ कर सकते हो वो भी। जब आपके ब्लीच को लगाए हुए कम से कम 5 या 10 मिनट हो जाएं, तो आप एक बार चेक करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे कि आपके हेयर ब्राउन हो गए हैं या नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो आप दोबारा से इस तरीके से लगाएंगे और अच्छे से एक बार पूरे फेस पर फैला लेंगे, दोबारा से एक बार फैलाएंगे अच्छे से। और इस तरीके से इसको फैलाने के बाद फिर से छोड़ देंगे हम। हमारी ब्लीच को लगे हुए 10 मिनट हुए हैं, और देख रहे हैं जितने एक्टिवेटर के साथ मैंने बनाई थी, तो 15 मिनट बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। और 10 मिनट में ही आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप पली पेरिया से हटाएंगे और आप देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से हो गई है हमारी ब्लीच, और फिर आप साइड से उतार कर देखेंगे, यहीं पर हमारी ज़्यादा ग्रोथ होती है, दोनों तरफ से बिल्कुल हो गई है। और उसके बाद आप हटाएंगे, और हटाते टाइम भी आप डायरेक्ट टिश्यू से क्लीन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ब्लीच वेस्ट हो रही है। आप अपने क्लाइंट पे ही वापस इसको लगा सकते हैं, उसके हैंड वगैरह पे आप देखेंगे कि कितना क्लीन होता है। ऐसा नहीं कि ब्लीच आपका काम नहीं करेगी, मैं आपको दिखाऊंगी इनके आप देख सकते हैं, दोनों हाथ देख सकते हैं, मैं आपको इस हाथ पे लगाकर दिखाऊंगी कि ये ब्लीच आपके हाथों को भी कितना स्मूथ करेगी और कितना अच्छा रिजल्ट देगी। तो हम इस वाले हाथ पे लगाएंगे, इस पे नहीं लगाएंगे, और पूरे फेस की ब्लीच को इसी तरीके से उतार लेंगे अपने स्पैचुला की हेल्प से। ब्लीच को उतारकर हाथों पे यूज़ कर सकते हो आप आसानी से, और आपको बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा, आपके हाथों की जो ड्राइनेस होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, और आपके हाथ थोड़े से जैसे सर्दियों के बाद सबके हाथ वगैरह काले हो गए हैं, बहुत अजीब अजीब से हो गए हैं, तो आप ब्लीच कर लीजिएगा जो फेस पे कर रहे हो, या तो एक्स्ट्रा बना लीजिएगा अपने हाथों के लिए, या फिर आप अपनी फेस की उतार के अपने हाथों पे लगा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम तो अक्सर ऐसा करते हैं, अगर किसी भी क्लाइंट के ब्लीच करते हैं तो वही ब्लीच उनके हाथों पे लगवा देते हैं, तो क्लाइंट भी खुश हो जाता है और उनके हाथ और फेस दोनों चीज़ें एक साथ क्लीन हो जाती है। तो आप भी ऐसा कुछ करिएगा, पार्लर में काम भी ज़्यादा आता है और आपका क्लाइंट भी खुश रहता है। ये देख सकते हैं नेक भी इनकी कितनी क्लीन हो जाएगी, और अगर आपके क्लाइंट की नेक और भी ज़्यादा डार्क है ब्लीच के बाद भी थोड़ी रह जाती है बाई चांस, तो आप अपने क्लाइंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लेके आप स्क्रब कर दीजिएगा, स्क्रब से और ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगर वो फेशियल नहीं कराना चाहता तो आप सिर्फ स्क्रब कर दीजिएगा, इससे भी एक तो आपका क्लाइंट खुश हो जाता है, ऊपर से उसकी जो ब्लैकनेस होती है ना गर्दन की वो भी क्लीन हो जाती है। लेंगे और टिश्यू की हेल्प से बिल्कुल हल्के ठंडे पानी से, यानी गर्मी आए तो ठंडा पानी यूज़ करिएगा, अगर सर्दियों में ब्लीच करें तो हल्का गुनगुना पानी करिएगा, दोनों मौसम में पानी अलग अलग रखना है आपको। गर्मियां हैं तो ठंडे पानी से करिएगा क्लीन, और सर्दियां हैं तो हल्के गुनगुने पानी से। तो अब क्लीन करेंगे अच्छे से और फिर देखेंगे आप साथ के साथ रिजल्ट। ये देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से फेस क्लीन हो गया है, गर्दन बिल्कुल क्लीन हो गई है, और ग्लो बहुत अच्छा आएगा। अभी स्किन सूख जाएगी तो तुरंत आपको ग्लो दिखाई देगा ब्लीच से। तो आप इसी तरीके से करिएगा, और फेशियल के साथ करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे फेशियल के बीच में सेंसिटिव स्किन के लिए और ज़्यादा और ज़्यादा ग्लो पाने के लिए, तो इस वो तरीका भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ग्लो आप देख सकते हैं, और जब भी आपकी ब्लीच हो जाती है तो आप अपने क्लाइंट के मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं या फिर टोनर, और अगर कहीं ना कहीं दाने हो जाते हैं तो एस्ट्रेंजेंट का यूज़ ज़रूर करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ल्यूकेराइज ब्राइटनिंग टोनर, दो मिनट के लिए ऐसे फेस को छोड़ देंगे।
अब आप देख सकते हो मेरे क्लाइंट के ब्लीच का ग्लो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएगा। और ब्लीच की ये टिप्स एंड ट्रिक आपको पसंद आई तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो आपको पता चला कि आप ब्लीच पहले भी कर सकते हैं, फेशियल के बीच में भी कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन पे कैसे करनी है, अगर आपकी ब्राइड के या आपके क्लाइंट के ग्लो नहीं आता तो कैसे करना है, हर तरीका आपको पता चल गया होगा, हर तरीके से कर सकते हैं। और ब्लीच में कभी भी ऐसा कुछ मत कीजिए कि आपके क्लाइंट की स्किन बर्न हो जाए या उसको कोई नुकसान हो जाए। आधी बार अब क्लाइंट इसीलिए डरने लग गए हैं कि हमारी स्किन तो ब्लीच से जल गई थी या डैमेज हो गई थी, तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर करिएगा तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप देख सकते हो आपके सामने मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी और आपके सामने अब लास्ट भी है, नेक भी देख सकते हो, माउथ एरिया भी देख सकते हो और इनका पूरा फेस देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से आप ब्लीच कर सकते हैं अपने अपने क्लाइंट के, अपनी ब्राइड के। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और ब्लीच करने का तरीका पसंद आया और टिप्स पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी सीख पाएँ और देख पाएँ नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो। और कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं गुड वाइब्स का या किसी का भी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ पर आप चेक कर सकती हैं। देख सकते हो हाथ पे ब्लीच लगाई थी और दूसरे हाथ पे नहीं लगाई थी, तो उसका भी रिज़ल्ट आप देखेंगे सामने ही। तो अपनी बची हुई ब्लीच को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आप देख सकते हैं। ऊपर कर ये देख सकते हो आप सामने के सामने दोनों हाथों में रिजल्ट देख सकते हो, तो आप दोनों हाथों में फर्क देख सकते हो और अपनी ब्लीच बची हुई ब्लीच का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। मिलते हो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और अच्छा लेके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।